2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। इनमें इंदौर और उज्जैन समेत मध्य प्रदेश की 8 सीटें भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में वोट डाला, वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मतदान किया। इंदौर सीट से 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन भी मतदान करने पहुंची। उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। इस वक्त हमारे साथ सुमित्रा महाजन जी हैं जो मतदान करके आई हैं। ताई, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप आई हैं यहाँ? तो वैसे भी अब लोग कह रहे हैं मुकाबले में कोई है ही नहीं, सिर्फ नोटा है और बीजेपी के उम्मीदवार है। नोटा कोई उम्मीदवार नहीं होता है, और प्रजातंत्र में सकारात्मकता कि कौन अच्छा है, दो अच्छे में एक अच्छा चुनो, ये भी बात हो सकती है। कभी कभी एक अच्छा एक बुरे में अच्छा चुनो, ये भी बात हो सकती है, मगर चुनो किसी को तो भी, क्योंकि हमें इस देश को चलाना है, और देश को अगर अच्छी तरीके से चलाना हो तो किसी ना किसी ठीक ठाक व्यक्ति को, ठीक ठाक पार्टी को, अच्छी पार्टी को जो इस देश को सक्षम बनाना चाहती है, उनकी तरफ हमें सकारात्मक वोट करना चाहिए। कांग्रेस ने तरह से परोक्ष रूप से कहा है कि नोटा को आप समर्थन दें, जो हमारा क्योंकि कोई सदस्य अब अपनी असफलता छुपाने के लिए कोई प्रजातंत्र में नकारात्मक बात जानबूझ के उसका नोटा केवल इसलिए दिया है, ये समझदार व्यक्ति के लिए है कि बताओ तुमको कोई नहीं अच्छा, मगर ऐसा तो है नहीं। ये कोई पार्टी जो चुनाव लड़ती है, अब जहाँ वो चुनाव लड़ रही है वहाँ नोटा की बात करेगी क्या? तो जैसे हम नहीं तो कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता प्रजातंत्र में, कोई ना कोई जगह लेता है। मतदान प्रतिशत कम है, आप उंगली दिखाकर यहाँ के मतदाताओं से अपील करेंगे कि आए और वोट दें? बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इंदौर ने हमेशा नंबर वन रहना है, तो वैसे मतदान में भी नंबर वन रहना। मैं वोट दे के आई हूँ, आप भी चलिए अगर अभी तक नहीं दिया हो। वैसे तो लोग अच्छे से निकल करके आ रहे हैं, आप भी निकलो और प्रजातंत्र को पुख्ता बनाने के लिए, देश को समर्थ बनाने के लिए वोट दें। एक आखिरी सवाल था, जाते जाते आपने कहा था कि कुछ लोगों ने आपसे कहा था कि आप वो नोटा को वोट देंगे फोन करके, तो ऐसे भी लोग बाद में बदले या उन्होंने कुछ बोला आपसे? अरे तुरंत बदले, वो तो मेरे अपने थे, हमारे थे, वो हम पर गुस्सा हो ही सकते हैं ना, फिर उनको जो बात समझाई कि हमारी क्या गलती है, हम तो है ताकत से मैदान में खड़े, बात समझ में आ गई, समझाने वाला अच्छा चाहिए तो समझ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर सुमित्रा महाजन का कहना है कि लोग बड़ी तादाद में आए, निकलकर वोट करें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, जैसा उन्होंने किया है। इंदौर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।